हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहले पीरियडाइजेशन होता क्या है? पीरियडाइजेशन मतलब कि किसी भी जगह की हिस्ट्री को टाइम पीरियड्स में बांटना, ठीक है, कि जैसे ये एक पीरियड है, ये एक पीरियड है, ये एक पीरियड है, ठीक है। तो पूरी की पूरी हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में बांटने को हम पीरियडाइजेशन कहते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया की, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो कौन कौन से टाइम पीरियड्स में बटी हुई है। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री तो थी बट वो किसी रिटन फॉर्म में नहीं थी, ठीक है, रिटन फॉर्म में नहीं थी। और जब ब्रिटिश पीपल ने हमारे ऊपर हमें ग़ुलाम बनाया, हमारे ऊपर कब्ज़ा करा, तो जो जेम्स मिल था, जेम्स मिल कौन था? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, ठीक है। तो जेम्स मिल क्या था? एक स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड का रहने वाला इकोनॉमिस्ट, मतलब जो पैसे से डील करता है, पैसे से रिलेटेड डील करता है, ठीक है, एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, ठीक है। फिलोसोफर होता है जो अपनी थिंकिंग्स पूरे मतलब कह सकते हैं कि बांटता है, अपनी थिंकिंग्स को बांटता है, ठीक है। तो ये कौन था? ये इकोनॉमिस्ट था, मतलब जो पैसों से रिलेटेड जिसका काम होता है, एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, ठीक है। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक फिलोसोफर, फिलोसोफर मतलब जो अपनी थिंकिंग को प्रकट करता है, ठीक है। जेम्स मिल एक बाहर का था, मतलब अंग्रेज था, ठीक है। उसने इंडिया की फर्स्ट हिस्ट्री लिखी, उसने इंडिया की फर्स्ट हिस्ट्री लिखी। ही पब्लिश्ड अ 3-volume वर्क। अब वॉल्यूम मतलब पार्ट, तो उसका जो उसने एक वर्क पब्लिश करा जिसकी 3 parts थे, ठीक है, इन 1817, डेट याद रखना कब, 1817 में। और इस वर्क को उसने नाम दिया द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, कि ये हिस्ट्री मतलब इतिहास है ब्रिटिश इंडिया का। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री, उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 periods में डिवाइड करा, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। मतलब जब सबसे पहले अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हिंदू रहते थे, फिर मुस्लिम का राज हो गया, फिर ब्रिटिश का राज हो गया। बट जो हमारे आज के जो भी हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि नहीं, ये वाली जो डिवाइडेशन है, ये जो पीरियडाइजेशन है, ठीक है, ये सही नहीं है, बिकॉज इनके अलावा भी बहुत सारे धर्म थे, सिर्फ हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या ब्रिटिश नहीं थे, यहाँ पे सिखिज़म भी थे, है ना, जैनिज़म, बुद्धिज़म, उपनिषद, कितना कुछ था। और आप ऐसे धर्म के बेसिस पर हमारी हिस्ट्री को डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो हमारे आजकल के हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 parts में डिवाइड करें, एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। तो एंशियंट पीरियड मतलब जब इंसान इस धरती पर आए थे, ठीक है। मेडिवल पीरियड मतलब बीच का पीरियड, जब उन्होंने कुछ कुछ सीखा, जब आए थे तब तो उन्होंने कम सीखा, जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत कम चीज़ों की नॉलेज होती है, बहुत कम चीज़ें पता होती है, ठीक है। मेडिवल पीरियड में उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा, व्हील मतलब जो पहिया होता है ना, उसकी इन्वेंशन होगी, आग की इन्वेंशन होगी। और मॉडर्न पीरियड मतलब आज का पीरियड, ठीक है, मॉडर्न पीरियड मतलब आज का पीरियड, जो समय अभी चल रहा है, जब इंसान को सब कुछ आ गया। थैंक यू एवरीवन।